हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम व्हाट्सएप का दो ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। पहला ट्रिक यह है कि आप किसी भी नंबर पर बिना सेव किए उसे चैट कर सकते हैं। अक्सर होता यह है कि यदि हम किसी से चैट करना चाहते हैं तो उस नंबर को पहले हमें कॉन्टैक्ट में सेव करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे चैट कर पाते हैं। लेकिन हम इस ट्रिक में आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना सेव किए भी उस नंबर से चैट कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है डिलीट फॉर एवरीवन का। अक्सर होता क्या है दोस्तों, हम जब भी डिलीट किसी भी चैट को करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट करने के लिए, डिलीट फॉर एवरीवन करने के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर ही डिलीट फॉर एवरीवन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उससे ज़्यादा टाइम हो जाने पर भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, तीन दिन हो जाए, फिर भी आप उसे डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से आप इन दोनों ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बिना नंबर सेव किए किसी से व्हाट्सएप में चैट करना चाहते हैं उसके लिए तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है WA.me, उसके बाद आपको स्लैश देना है। उसके बाद आपको 91 देखकर जिस नंबर से आप चैट करना चाहते हैं वो नंबर आपको डायल करना है। दोस्तों, डायल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू चैट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप दोस्तों बिना नंबर सेव किए आप किसी से भी चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। अगला ट्रिक है दोस्तों व्हाट्सएप में डिलीट फॉर एवरीवन का, तो कितना भी टाइम पार हो जाने पर आप उसे डिलीट फॉर एवरीवन कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए तो आपको मोबाइल डाटा सबसे पहले आपको मोबाइल डाटा ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डालना है। उसके बाद है जो आपको टाइम में जाना है। टाइम में यहाँ पर आपको चेंज करना है, जिस डेट पर, जिस टाइम पर आपको डिलीट करना है उस टाइम पर आपको जाना है। उसके बाद आपको टाइम सेट कर लेना है कि किस टाइम पर हमको डिलीट करना है। चेंज डेट एंड टाइम पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम जो है इसको ऑफ करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको मैनुअली डेट सेट कर लेना है जिस डेट पर भी आपको डिलीट करना है। जैसे मैं डेट को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं 17 ले लेता हूँ। उसके बाद जो है टाइम जो है यहाँ पर देखिए, चलिए चेंज कर देता हूँ कुछ 8। आपको व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये टाइम चेंज हो गया, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। अभी ये जो है 17 फरवरी का था, तो ये यहाँ पर आप क्लिक करके डिलीट फॉर दोस्तों व्हाट्सएप को एक बार क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। उसके बाद आपको जिस नंबर से डिलीट करना है वो नंबर आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से यूज करके आप डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं किसी भी टाइम में। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।